राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं तो लगातार कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ जाती है। एक तरफ जहां केंद्र में बैठे मोदी को हराना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर ही आपसी कलह को दूर करना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस के राजस्थान के नेता अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है 3 राज्यों में, इसको लेकर सभी हैरान है और खासकर कांग्रेस खुद हैरान है। और इसी को लेकर अब राजस्थान के नेताओं ने बैठक की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सभी नेता मौजूद रहे और हार पर मंथन किया गया। जिसके बाद सचिन पायलट मीडिया के सामने आते हैं और कुछ बातें कहते हैं, जिसको लेकर सचिन पायलट कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट का निशाना भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व वाली अशोक गहलोत की सरकार पर ही है। क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जी ने बहुत सभाएं की, प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो उसके बाद सचिन पायलट कहते हैं कि अब हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और हार पर मंथन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव को जिस तरह से भूलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिस तरह सचिन पायलट ने कहा कि हमारी भी कुछ कमियां रही है और इसीलिए शायद हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने खुद ही अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे। और आपको याद होगा कि अनशन पर भी बैठ गए थे सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि जब कांग्रेस हाईकमान ने इंटरफेयर किया तब सचिन पायलट को समझाया गया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को मिली राजस्थान में हार के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई। पार्टी पर्यवेक्षकों के सामने हार पर मंथन के बाद बाहर निकले सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से तैयारियों में जुटना है। राजस्थान में हार को लेकर पायलट ने यह भी कहा कि कुछ कमियां रही है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा कि उनका इशारा सीधा सीधा अशोक गहलोत के नेतृत्व में चली सरकार की ओर ही था, जिस पर वह खुद कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं आगे सचिन पायलट कहते हैं कि जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि अलग अलग विधायकों से राय लेकर चर्चा की जा रही है, उनसे राय ले रहे हैं कि भविष्य में क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, आप सभी जानते कि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव है, इसके लिए हमें अभी से जुटना है। यह बात सही है कि हमें राजस्थान में बहुत उम्मीद थी कि दोबारा सरकार बनेगी। पूरी मेहनत के साथ हमने चुनाव लड़ा, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने लगातार सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए हैं। तो सचिन पायलट कहते कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ कमियां रही है। क्या वह कमियां थी और उनका सुधार कैसे होगा और कितना जल्दी हम कर पाएंगे, यह बहुत जरूरी है। इस पर एक लंबी चर्चा की जरूरत पड़ेगी, उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इसका आत्मचिंतन भी होगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे बेहतर विकल्प बन सकती है, यह हम सबका ध्येय है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट भले ही अशोक गहलोत का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब वो कहते कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है, तो वो सीधा सीधा अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। क्योंकि जिस तरह सचिन पायलट ने खुद की सरकार के खिलाफ ही अनशन किया था और कहा था कि हमारी सुनी नहीं जा रही और जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और यह सीधा सीधा सवाल खड़ा किया था अशोक गहलोत की सरकार पर, और शायद आपसी कलह का ही नतीजा के कांग्रेस राजस्थान में हार गई है और जो राजस्थान का रिवाज था वो कायम रहा और राज बदल गया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।